say good morning. मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आज ही नया व्लॉग है, नया दिन है और 9:44 हो चुके हैं. अमन जस्ट लेफ्ट फॉर द ऑफिस. सुबह से तो व्लॉग नहीं कर सकती थी बिकॉज बहुत काम था, और नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सब पैक करना, अमन का टिफिन रेडी करके रखना होता है. इट्स ओके, अभी अमन निकल गए ऑफिस के लिए. अब मैं और अलीशा घर पर हैं, तो फटाफट मैं सारे काम निपटाऊँगी. फिर मुझे इसकी मालिश करनी है, इसको नहलाना है, एंड उसके बाद अलीशा अपना नाश्ता वाश्ता करके शिल देकर फर्स्ट स्नैप ऑफ द डे. ये अलीशा का फेवरेट स्पॉट है. ये खिड़की खुल जाती है और अलीशा हमारी यहाँ बैठ जाती है, और यहाँ से बालकनी बालकनी से रूम यही करती रहती है. ये लो ब्राउनी. आपको ब्राउनी अच्छी लगी? ये लो. इसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है मेरी तरह. अलीशा को क्या करना है? हाँ, नहीं नहीं करनी है. अच्छा, तो इसको ना पता है कि इस बाथरूम में ये नहाने जाती है, तो जैसे इसको बोलना कि नहाई नहीं करनी है, तो शील स्टैंड आउटसाइड द वॉशरूम कि मेरे को नहाई नहीं कराने लेके जाओ, एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग. यहाँ से भाई, यहाँ से भाई घूमेगी. तो मेरी अलीशा नहा ली है. अब ना इसके फटाफट बाल कर देती हूँ मैं. ये ना इसका नया ब्रश है जो ना दे ही नहीं दिया बाल करने के लिए. तो इट्स ऑलमोस्ट 12:30 नाउ. तो अभी इस ये नहा ली है, नाउ शील टेक हर फीट एंड देन शील गो फॉर अ फर्स्ट नैप. तो सुबह मतलब ये उठती है 9:30 के बीच में, तो 3-4 घंटे उठती है, 3-3.5 घंटे के आसपास, एंड देन शी टेक्स अ फर्स्ट नैप. एंड आगे देखती रहो कि कैसे मैं और अलीशा ये मतलब अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं जब अमन ऑफिस जाते हैं, उसके बाद व्हाट वी डू एंड हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल अलोन विद 1-year-old बेबी एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी डू एंड हाउ आई कीप हर एंगेज्ड. यू कैन गेट टू नो. अगर आप भी एक न्यू मॉम हो, आपका भी छोटा बच्चा है, तो आपको भी आई थिंक आइडियाज़ मिलेंगे. जैसे मैं दूसरों के ब्लॉग से सीखती हूँ, मैं दूसरों से सुन के सीख. बट यस, अगर आप लोग कुछ और चीज़ें करते हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगता है जब आप और आपका बेबी अकेले होते हो एंड यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑल अलोन. सो तो हम पाते नहीं हैं, बिकॉज जब ये सोते हैं तो वट आई डू इज मेरे को जितने काम होते हैं वो सब काम उस टाइम पर निपटाती हूँ, तो रेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता है. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. जो मम्मीज है ना वो सभी इस बात को समझेंगी और अग्री करेंगी कि जब बच्चा सोता है ना तो माँ सोती नहीं है, माँ ये सोचती है कि मैं अपने बाकी काम निपटा लूँ. से पहले अलीशा ने ये पूरे बास्केट यहाँ से नीचे गिरा दी थी और सारे टॉयज यहाँ फैले हुए थे. डाइनिंग एरिया भी पूरा साफ करना है एंड ये शू एरिया भी साफ के. और ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब अलीशा सो रही हो, बिकॉज वो उठी होती है तो करने देती है, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि बच्चे के साथ में ना नहीं हो पाता, फिर भी ना इधर भागते उधर भागते. A few inches later. सो अभी अलीशा उठ चुकी है, अभी इसका लंच टाइम हो गया है, तो मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ और बाकी किचन के काम निपटा रही हूँ. और इसको ना मैंने आज चेरी टमेटो दिया है, ये लो. और देखो अपना लॉन्ड्री बैग में से सारे कपड़े निकाल निकाल के अभी नीचे फेंकने वाली है. नो बेबी, डोंट डू दैट प्लीज. नो 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 नो. मम्मा क्या बोलती है? नो नो. इसको नो बोलना आ गया. मम्मा कुछ भी बोलेगी नो, पर नो का मतलब समझ नहीं आता है. ये बंद है बेटा. यम्मी यम्मी, ये लो यम्मी यम्मी टमेटो. अरे ले लो टमेटो, ले लो. अपने लिए तो मैं लेमन राइस बना लूंगी, और अलीशा के लिए आई मेक पनीर का पराठा, बिकॉज इसको पराठा खाना बहुत पसंद है. बीट आलू पराठा और पनीर पराठा बटर लगा के अच्छे से खिलाओ तो खा लेती है. आवाज़ आई आपको ये पीछे? ये देखो ये किस चीज़ की आवाज़ में दिखाती हूँ. ये क्या किया? What did you do? क्या डैडू जाए? ऑफिस जाना है डैडू को, ठीक है? डैडू जा रहे, चलो भाई. अब कांगे सारा रोना धोना तुम्हारा, ठोके उठी हो. हाँ डैडू पास आओगे? हाँ तो फटाफट जाएगा, अभी इसको नीचे रखा मैंने, रो पड़ी थी. हो गया नहाने.
एडिट हो जाएगा पार्ट। उसको नीचे रखा कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तो मैडम को है आँखों आँच हो चल होती आँच हो चल, कैमरे के पीछे आवाज ही ले रही है, पता नहीं आपको आवाज आएगी इधर ले रही है, मैं इधर ले रही। बेटा डैडू नहाने जाए, डैडू को अब ऑफिस जाना है। अमन प्लीज एक्सप्लेन ऑन कैमरा कि कल क्या हुआ था रात को जब आप ऑफिस से आए थे। अरे शी वाज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, मतलब कल दोपहर के 2 बजे से नहीं सोई, ये दिन के 2 बजे से बस डैडू 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 डैडू। एंड इवन दो व्हेन शी हर्ड कि डैडू आने वाले हैं, तो ये नीचे जाने की जिद, और नीचे she was waiting at the society gate कि डैडू आएंगे। अभी व्लॉग स्टार्ट किया नेक्स्ट डे से, कंटिन्यू किया उस व्लॉग को, क्योंकि ये मोमेंट बहुत अच्छा था। मतलब थोड़ा सा मिस भी हो गया कि जब अमन अभी नहाने जा रहे थे और इलिशा स्टार्टेड क्राइंग, कैमरा उठाया और ये चुप हो गई, क्यों जा रहे हो। अमन इज ट्राइंग टू प्ले हाइड एंड सीक विद हर, दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग so excited। अमन इधर से आ गया है, इसको ले जाओ टोकरी में बिठा के ले जाओ, ये पूरे फ्लोर पे घूमेंगी। अमन काम करता, वो हीलियम वाला बलून नहीं आता, हीलियम वाला बलून ना इसके कमर में बांध देता हूँ, पूरा ऑफिस में पता लग रहेगा कि काम हो रहा है। वहाँ तो क्यूबिकल्स बने होते हैं है ना माँ, ऐसे ही करते हैं। अच्छा डैडू किसके, अबे वाह बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मेरे को लेट हो रहा है, आप लोग घर पे रहो, ब्लॉग करो। अच्छा डैडू किसके, सिलीशा डैडू किसके, डैडू किसके, एंड हिज नेम इज